आप लोग, वेलकम बैक टू अनदर सोलो रैंक क्विज गेम प्ले वीडियो। गाइस फिलहाल के ना आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल की इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अपन एक टॉपिक पे रिलेटेड बात करने वाला हूँ आप लोगों से। गाइस जो भी सोलो रैंक क्विज कर रहे गाइस उन लोगों के लिए ना थोड़ा हेल्प होने वाले टिप्स मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। जो भी फिलहाल के लिए अभी स्टार्ट किया होते ना उन लोगों के लिए, ठीक है। तो वीडियो में बनने से पहले जो भी आप लोगों को इंट्रो अच्छा लगा था प्लीज अच्छे गाइस अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो कर देना, वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक कर देना, क्योंकि जो मेरे आने वाले वीडियोस रहते हैं ना उन लोगों को आप लोग मिस मत कर पाओगे, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो में बढ़ते, तो ये वाला गेम प्ले ना तो लोएन टायर का था, जिनको अपने जितना अपने होता ना किल्स उठाना या प्लस निकालना जो आप लोगों को लोएन टायर में रिस्क ले सकते, ठीक है। जो आप लोगों का कभी भी एस हुआ समझो, उसके बाद ना आप लोग बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। मतलब क्यों बोल रहा हूँ आप लोगों को, तो उसमें आप लोगों को माइनस पन्ने का चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को जितना भी रश खेलना है और अच्छा खासा प्लस कमाना है वो आप लोगों को बिलो एज टीयर के पहले ही कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए गाइस आप लोगों को मैं थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ, ठीक है, जिनको फॉलो करके ना आप लोगों को थोड़ा अच्छा खासा प्लस देखने को मिलेगा, जल्दी से एज लग जाएगा। फिलहाल के लिए जो भी अब रैंक को स्टार्ट किया ना उन लोगों में, ठीक है। पहले गैस फिलहाल के लिए जो भी डायमंड या प्लैटिनम रहते हैं उन लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, बस आप लोगों को जितना हो सके बंदों को घुस घुस के मारना है, ठीक है। मतलब कैसा बोले तो हर बंदा खाली, मतलब आप लोगों को जस्ट होल्ड तो नहीं करना है, बस घुस घुस के मारना है, क्योंकि मतलब उस टायर पर ना आप लोगों को माइनस ज़्यादा नहीं लगेगा, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। जो भी क्रोन या एस को आसपास में रहते हैं उन लोगों के लिए बस आप लोगों को जहाँ फाइट निकालना है वहाँ फाइट निकालना है, जितना हो सके किल्स उठाना है, ठीक है। आप लोगों के पास जो रेटिंग प्रोटेक्शन कार्ड रहते हैं ना उन लोगों को ऑन करके रखना, ठीक है। जो भी ड्रोन या एज पे रहते हैं उन लोगों के लिए थोड़ा हेल्प होगा, मतलब अगर से आप लोग ना टॉप या 90 में या मतलब उतरते ही मरे समझो, तब आप लोगों को रेटिंग प्रोटेक्शन कार्ड थोड़ा हेल्प होगा, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग क्रोन या एज में रहते हैं थोड़ा रिस्क कम उठा करो, थोड़ा रश भी खेला करो, ठीक है। मतलब जहाँ आप लोगों को कॉन्फिडेंस रहता यहाँ पे मैं फाइट निकल पाऊँगा, ऐसा आप लोगों को कॉन्फिडेंस रहता उस टाइम पे आप लोग इजी से फाइट निकाल लो और अच्छे खासे किल्स निकालो, अच्छा खासा प्लस भी देख लो, जल्दी से एस लग जाएगा, ठीक है। यही था मेरा बोलने का मतलब। तो अब बढ़ते, तो एस के ऊपर रहते ना जिन बंदों के लिए क्या करना है, मतलब फिलहाल के लिए अपन कभी या क्रोन वन या क्रोन टू चल रहा है फिलहाल के लिए, ठीक है। मैं आप लोगों को स्टैटिस्टिक भी आने वाले नेक्स्ट मैचेस पे बताऊंगा, जितने मैचेस पे अपन ने मतलब एस लगाया है आप लोगों को मैं नेक्स्ट मैच में बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग जो भी एस स्टार्स पे रहते हैं ना उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। आप लोग जितना हो सके आप लोग इवेंट पे उतरते ना वहाँ पे आपसे हो सके थोड़े बंदों के लो एंड डिवाइस रहता है, मेरे को पता है, मतलब प्रीवियसली अपन भी थोड़ा लो एंड डिवाइस से आ गए थे ना, इसलिए मेरे को पता है जो भी लो एंड डिवाइस रहता उन लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल होता। थोड़े बंदे ऐसा कर रहे फिलहाल के लिए गाइस, बहुत ही कैम करके मार रहे, कोई बात नहीं चलता गाइस, ये तो रैंक पुश में ये तो कॉमन है, किसी को गाली में मतलब गालियाँ तो नहीं दे सकते, जो जिनका गेम स्टाइल रहता वो खेलते, ठीक है। जो मतलब कैम करके सोलो में तो रैंक पुश में कैंपिंग ही चलेगा, मतलब कैंपर भी नहीं बोल सकते, क्यों बोले तो अगर थोड़े बंदों के पास अच्छा डिवाइस रहता वो बंदों को घुस घुस के मारते, थोड़े बंदों के लिए लो एंड डिवाइस रहता अगर वो 1v1 फाइट में भी ना पेल जाते तो क्या करते हो गाइस, बस यही कैंपिंग करते, तो किसको भी कुछ नहीं बोल सकते। तो बढ़ते हैं वीडियो पे, ठीक है। तो क्या करना है, बस आप लोगों को जो भी उन लोगों के लिए जो भी लो एंड डिवाइस रहता था उन लोगों के लिए कमन है गाइस, थोड़ा होल्ड करके खेला करो, जो भी अच्छा डिवाइस रहता आप लोगों के पास कॉन्फिडेंस रहता फाइट निकालने का, तो आप लोग जाके इजी से फाइट निकाल सकते हैं, ठीक है। तब भी आप लोगों को जितना हो सके आप लोग एस टायर के ऊपर रहते ना मैक्सिमम आप लोगों का टारगेट रखो टॉप 10 या टॉप 5, मैक्सिमम चिकन निकालने की कोशिश भी करो, लेकिन चिकन निकालना उतना ईजी नहीं होता फिलहाल के लिए इस मोड पर, क्यों बोले तो मतलब थोड़े गाइस ना ऐसा ग्लिच करके खेल रहे, क्या ही बोलूँ उन लोगों के लिए। ये ग्लिच से ना मैं आप लोगों के आने वाले वीडियोस में एक वीडियो जो इम्पॉर्टेंट वीडियो लाने वाला हूँ उसको आप लोग मिस मत कराना, ठीक है, क्योंकि उस वाले वीडियो से आप लोगों को बहुत हेल्प होगा, ठीक है।
जो हवे में उड़ते हैं ना उस वाला ग्लिच को यूज़ करके बहुत सारे बंदे ना टॉप टेन या चिकन निकाल रहे हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही दिक्कत आने वाली है अगले मैचेस पे। क्यों बोले तो मतलब गाइस ऐसे हर मैच में करे समझो तो आप उन लोगों का आईडी भी बैन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मैं इसके बारे में इस वीडियो में तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा। क्यों बोले तो इस वाले वीडियो में आप लोगों को मैं जैसा कैसा प्लस निकालना है, कौन से डर पे कैसा प्लस निकालना, मैं इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर कट बताने वाला था, मैं बता दिया ठीक है। तो मैं उस वाला वीडियो को भी मैं नेक्स्ट वीडियोस में लाऊंगा ठीक है। वो वाला वीडियो बहुत ही हेल्प होगा आप लोगों को। क्यों बोले तो मतलब गाइस उससे बहुत दिक्कतें आने वाले हैं ठीक है। तो अभी तक आपने वीडियो पे गाइस बने रहे तो थोड़ा पेरेंट सपोर्ट बताओ ठीक है। लाइक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो कर देना। क्यों बोले तो मेरा आने वाले अगली वीडियोज गाइस आप लोग कभी रैंक पुश कर रहे आप लोगों को थोड़ा हेल्प होगा ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ सपोर्ट करते रहना ठीक है। तो इस वाले वीडियो में ना मैं बोला ना आप लोगों को डायमंड से जो भी एस तक रहते हैं ना उन लोगों के लिए जितना हो सके रश खेला करो। आप लोगों के प्रोडक्शन कार्ड है तो आप लोग थोड़ा क्रोन या एस के आसपास में तो प्रोडक्शन कार्ड भी मतलब थोड़ा ऑन करके रखना ठीक है। आप लोग थोड़ा रश खेल सकते हो, अच्छे खासे किल्स उठाओ, प्लस निकालो ठीक है। थोड़ा रिस्क ले लो जो भी एज तक रहते हैं उन लोग। एज के बाद रहते हैं ना आप लोगों को एक ही टारगेट रखना, टॉप टेन रखना ठीक है। उस पर आप लोगों को माइनस पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। अब फिलहाल के लिए गाइस जो भी एज तक रहते हैं उन लोगों को हैकर्स भी देखने को नहीं मिलेंगे ठीक है। तो जो भी बंदे एज के बाद ना जो भी कांकरर के आसपास में रहते हैं उन लोगों के लिए हैकर्स बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे ठीक है। तब आप लोगों को ना जितना होल्ड करना है, आउट ऑफ सर्किल जाना है, लूट करना है ठीक है, जितना आप लोग इवेंट पर उतरते ना पिलने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होंगे, रिस्क भी ज्यादा होगा ठीक है। एक ही बोलता हूँ, थोड़ा देख के संभाल के खेलना, लो एंड डिवाइस रहता उन लोगों के लिए। गाइस मैं क्या ही बोलूँ, बस आप लोगों को जितना होल्ड करके खेलते उतना आप लोगों को बेनिफिट्स मिलेंगे ठीक है। नए जाके घुस के खेलना पड़ेगा आप लोगों को, तब वन गन फाइट में आप लोग खेल जाएंगे ठीक है। यही था, अभी तक अपनी वीडियो को देख रहे तो बस यही था आज का वीडियो गाइस। लो एंड टायर का डिवाइस का वीडियो था, लो एंड टायर का था वीडियो ठीक है। तो मिलते हैं गाइस आने वाली अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Through the highways, till my shadow turns to sun rays and I...